और वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों सैनिक पाठशाला में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा पेंशन कैलकुलेशन का सीरीज चल रहा है और उस सीरीज का आज तीसरा वीडियो है। पहले हमने बेसिक पेंशन, कम्यूटेशन, ये दो चीज कैलकुलेशन कर लिया है। अभी हम चलते हैं आज के जो टॉपिक है वो है, जैसे कि आप सब बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लीव इनकैशमेंट। तो लीव इनकैशमेंट एक ऐसी चीज है जिसका जब हम पेंशन जा रहे होते हैं तो उस टाइम का हमारा फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है उस पे उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। हम फौजी जब पेंशन आ रहे होते हैं ना, पेंशन आने वाले होते हैं, तो हमारे को बड़ी उत्सुकता रहती है कि हमें बल्क में लमसम कितना पैसा मिल जाएगा। और इवन मैं तो हर उस पीरियड में जब मेरा डिस्चार्ज आउट निकल गया, हर चौथे पांचवें या हफ्ते में 10 दिन में एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता था। तो हर किसी को जानना, बहुत जानने का दिलचस्पी रहता है कि मुझे पेंशन आते टाइम मेरे को लमसम कितना पैसा मिल जाएगा। तो लीव इनकैशमेंट में उस लमसम अमाउंट में लीव इनकैशमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको लीव इनकैशमेंट को बिल्कुल क्लियर तरीके से कैसे आप अपने जहन में बिठा लीजिए, आप जब भी पेंशन जा रहे होते हैं या जाने वाले हैं तो आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेशन कीजिए। बिल्कुल एक्यूरेट आपका जो कैलकुलेशन आपने करके रखा है आपका FSA में वही अमाउंट आपको आएगा। तो उस हिसाब से मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूं, नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोज हम बनाते रहें, ताकि आप सबका किसी चीज पे नुकसान ना हो। किसी चीज अगर इन वीडियोज से अगर आप सबका भलाई होता रहे तो वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो चलते हैं दोस्तों, हम लीव इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं लीव इन्वेस्टमेंट को। तो जैसे कि हमें पता है, हम जो कल परसों पिछले वीडियोस में हमने कैलकुलेशन किया तो हमने बेसिक पे जो ले रखा था 38,100 रुपए ले रखा था। एक ऐसा बंदा जिसका बेसिक पे 38,100 रुपए है, उस बंदे का हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया था। तो हम लीव इन्वेस्टमेंट में भी उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिक लीव इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक पे प्लस DA इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 30 का महीना होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका बेसिक पे आ जाएगा। अब अमाउंट में इसमें मैं डाल देता हूं 38,100 प्लस DA। अब जो DA होता है वो हमारा टोटल इमोलुमेंट्स वाला DA नहीं होता है। जो DA यहां पर आएगा वो बेसिक पे के ऊपर जो DA होगा वो आएगा। तो इसमें क्लास पे MSP नहीं जुड़ेगा। तो जो बेसिक पे है 38,100 उस पे DA 12,954। ऑलरेडी मैंने इसका कैलकुलेशन करके रखा था, 12,954 रुपए इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जितना दिन है। अब नॉर्मली एक जब बंदा 17-18 साल सर्विस करके जाएगा, 17 साल करके जाएगा, तो उसका लगभग लगभग 200, किसी का 300 भी हो जाता है, किसी का 150 भी रहता है। तो हम एक एग्रीगेट 250 दिन का यहां पर लेते हैं। इसी हिसाब से अगर आपका कम है तो कम डालिए, ज्यादा है तो ज्यादा डालिए, इस कैलकुलेशन में बिठा लीजिए, डिवाइडेड बाई 30। तो इसका जो अमाउंट आएगा ये प्लस ये इंटू ये, तो ये जो अमाउंट होगा मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो उस अमाउंट को मैं यहां कर देता हूं 1276। और इसका जो टोटल होगा ये होगा 34% के हिसाब से लिया है, ठीक है, ये लिया है हमने DA इक्वल टू 34%, क्योंकि आज के डेट में अब बढ़ना तो है, जुलाई से ही लागू होगा वो, लेकिन आज के डेट में 34% ही है, तो 34% के हिसाब से ही हम लेंगे। जब सितंबर अक्टूबर में जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि DA इतना बढ़ गया, 37 हो गया या 38 हो गया, जो भी होगा, तो जो बचा हुआ एरियर है उसका फिर कैलकुलेशन अलग होगा। आपको उसको वो एरियर में मिलेगा, आपको पेंशन जाने के बाद मिलेगा, उसको कैसे देना उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा।
तो आज जो जुलाई में जा रहे हैं उनका कैलकुलेशन 34% के हिसाब से ही होगा, लेकिन जबकि उनका होना चाहिए 37 या 38, जो भी एक्चुअल डीए जब बनेगा उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो 34 के हिसाब से ही होगा। तो अभी देखिए 34% के हिसाब से ये डीए है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें अभी एक बंदा जिसका 38,100 रुपए बेसिक पे है और जो 34% डीए के हिसाब से पेंशन जा रहा है, 34% के हिसाब से उसका कैलकुलेशन हो रहा है, और उस जिसका इंकेसमेंट 250 दिन है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, लिव इंकेसमेंट का पैसा मिलेगा 4,25,450 रुपए। तो इसमें क्लियर है, तो ये अमाउंट उसको मिलेगा उसी हिसाब से। आपका अगर दिन कम है ज्यादा है तो इसमें वो दिन को ऐड कर लीजिए और उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो जो लिव इंकेसमेंट का कैलकुलेशन के बारे में। अगला वीडियो हम जरूर फिर से लेके आएंगे पेंशन कैलकुलेशन का सीरीज का दूसरा वीडियो, जो या तो फिर हमारा ग्रेच्युटी का होगा या तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन के 2-3 हिस्से हैं उनको लेकर के हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।